हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोना के आंगन में। तो दोस्तों, स्कूल से आने के बाद में मैं नहाई वहाई, उसके बाद में चाय बनाई। चाय बना के जो चाय के बर्तन थे उनको मैं भी बाहर गई थी। बाहर से आने के बाद में ये बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद में फिर से मुझे बाहर जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जब मैं स्कूल से आई थी तो बाबू के एक्चुअली एक दवा थी, तो वो दवा मिली नहीं थी। डॉक्टर ने बाहर से लिखी थी तो वो दवा मिली नहीं थी। मैंने सोचा था जब स्कूल से आने लगूँगी तो रास्ते में ही मेडिकल स्टोर से ले लूँगी, बट उस मेडिकल स्टोर पर वो दवा थी नहीं। तो उसने बोला कि 1 घंटे बाद आइएगा, तो मैं फिर घर आ गई थी। घर आकर मैंने चाय वाय पी, उसके बाद में फिर नहाया और उसके बाद में फिर घंटे 1-1.5 घंटे बाद में फिर गई, तो खैर दवा मिल गई थी। एक्चुअली बाबू की बहुत जकड़न थी, कल रात में बाबू सो नहीं पाया और 2 दिन से भी नहीं सो पाया। मैंने संडे का ब्लॉग आप सभी के साथ कल शेयर किया था और उसके बाद में मैंने 2 दिन ब्लॉग बनाया ही नहीं। आज थोड़ा बहुत मन किया कि ब्लॉग शूट करूँ, तो आज मैं ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ। तो दवा खैर बाबू की मिल गई है। चाय पी थी, तो जब चाय पीते पीते मैंने ये देखिए लहसुन और प्याज छील लिया था, क्योंकि बाबू मम्मी की गोदी से उतर ही नहीं रहा है। एक्चुअली उसकी तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है, तो इस वजह से उसको थोड़ा चिड़चिड़ापन है उसके। तो मम्मी उसको लिए हैं और जब तक मम्मी लिए हैं तब तक मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान भी कर रहा है। क्योंकि मन ठीक नहीं रहता, तो जब बड़ों का मन नहीं ठीक रहता है, तो बड़ों का जब किसी काम में मन नहीं लगता है, छिड़छिड़ापन हो जाता है, तो बच्चे ही हैं, वो तो कुछ बता भी नहीं पाते हैं। तो फिलहाल मेरी थोड़ी बहुत तबीयत सही हो गई है और अभी भी थोड़ा बहुत खांसी हाँसी बनी हुई है, सही हो जाएगी। और देखिए कितनी गर्मी है, तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं और ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा मैं डिनर में आज क्या बनाती हूँ। तो ये देखिए, लौकी मैंने छोटी छोटी काट ली थी क्योंकि मुझे लौकी की दाल बनानी है। तो ये देखिए, ये परवल जो है ना, ये भाभी लेके आई थी। एक्चुअली मेरे ही मकान में भाभी रहती है नीचे, वो लेके आई थी। वो स्कूल में जॉब करती हैं, तो स्कूल में एक परवल का पौधा लगा हुआ था, तो उसमें परवल लगी हुई थी, तो वो लेके आई थी। तो थोड़ी परवल मुझे दी थी, ये बिल्कुल फ्रेश परवल है, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, लग रहा है। तो बना के देखते हैं कि सब्ज़ी कैसी बनेगी इसकी। देसी वाली जो होती है वही वाली होगी। तो सब्जियों को मैंने धो लिया है और अब फटाफट बनाने की तैयारी करते हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑन करके मैंने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में डाला था 1 गिलास पानी और लौकी डाल दी है उसमें, और ये जो दाल मैं डाल रही हूँ ये अरहर की दाल है। बहुत लोग चने की दाल में भी बनाते हैं, बट मुझे अरहर की दाल में ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आज मैं अपनी पसंद का डिनर बना रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स, और अगर मेरा डिनर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ दाल में मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर और स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच घी डालकर मैंने कुकर को बंद कर दिया है। 2-3 सीटी में दाल अच्छे से पक जाएगी। तो कुकर को मैंने दूसरी गैस पर रख कर इस गैस पर मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, क्योंकि मैं इसमें बनाऊँगी सब्जी आलू परवल की। तो तेल जब गर्म हो गया मैंने इसमें डाला ज़ीरा। ज़ीरा जब चटकने लगा तो मैंने इसमें 1 कटी हुई प्याज डाल दी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, और प्याज जब तक ब्राउन हो रही है तब तक मैं यहाँ दाल के तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ छोटा छोटा मैं प्याज काट लूँगी, टमाटर है 1 मिर्च, अदरक और लहसुन, ये सब काट कर मैं रख लूँगी। तो साथ ही साथ मैं सभी कामों को एक साथ कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम निपट जाए। तो यहाँ मैंने सब्जियों को डाल दिया है, प्याज ब्राउन हो गया था तो मैंने सब्जियों को डाल दिया है, और जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक, ये सब डालकर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, बिना पानी के ही पकाऊंगी धीमी आँच पर, क्योंकि आलू को भी मैंने पतला ही काटा है, परवल को भी पतला काटा है, तो आराम से अच्छे से एकदम कुरकुरी सब्जी तैयार होगी। तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पानी डालने के बाद में सब्जी में थोड़ा सा
पिचपिचाहट आ जाती है जिसकी वजह से मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जब भी मैं कभी सब्ज़ी बनाती हूँ सूखी तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी जब तक पक रही है, दाल जब तक पक रही है, तब तक मैं यहाँ ये तड़के के जो भी लहसुन प्याज वगैरह ये सब काट कर रेडी कर लूँगी। दाल के तड़के के लिए जो भी सामग्री मुझे चाहिए मैंने काट कर रख ली है। अब मैं यहाँ सलाद काट लूँगी। तो सलाद में प्याज है, खीरा है और गाजर है। इसको मैं देखिए गोल साइज़ में काट ले रही हूँ। आपका जैसा मन करे वैसे काटें। बहुत लोग लंबा काटते हैं, बहुत लोग लच्छे वाला प्याज बनाते हैं, लेकिन मैं हर तरीके से बनाती हूँ। कभी कभी मन करता है तो सलाद की डेकोरेशन भी करती हूँ, और मतलब जब जब जैसा टाइम रहता है वैसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज और खीरा और गाजर को मैंने काट लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये आटा मैं लगा लूँगी। एक्चुअली आटा ये रखा हुआ था, सुबह मैं जब स्कूल जा रही थी तो टिफ़िन के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, तो ये आटा बच गया था। तो इसी को मैंने मसल लिया है और मसल कर थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दिया है। तो जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक यहाँ देखिए सब्ज़ी पक चुकी थी। सब्ज़ी देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर दाल भी तब मेरी पक चुकी थी, और जो कढ़ाई थी जिसमें मैंने सब्जी बनाई थी उसको मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ लिया था, और इसमें डाला है थोड़ा सा तेल, ज़ीरा और प्याज, लहसुन और अदरक, ये सब डालकर अच्छे से भून लिया है। और ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी हो जाए बस इतना ही करना है। उसके बाद में मैंने डाल दिया इसमें टमाटर, और दाल में नमक कम था तो मैंने इसमें इसी स्टेज पर नमक ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। तो टमाटर भी भून चुकी है और मैंने डाल दी इसमें दाल। तो देखिए दाल का टेक्सचर कितना अच्छा है, कितना अच्छी लग रही है दाल, और खाने में तो सुपर टेस्टी है। आप एक चम्मच इसमें घी डालिए और खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी दाल। तो यहाँ पर दाल भी मेरी बन चुकी है, और जिस कुकर में मैंने दाल बनाई थी उसी कुकर को धोकर मैंने उसमें चावल डाल दिया है। तो एक तरफ चावल पक रहा है और दूसरी तरफ मैं इस पर रोटी बना लूँगी। तो रोटी ज़्यादा बनानी है, बस 5 या 6 रोटी बनाऊँगी, तो मम्मी और मैं ही खाएँगे क्योंकि चावल भी बन चुका है तो रोटी ज़्यादा लगेगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी 2 रोटी खा लेंगी, मैं खा लूँगी, और उज्जवल को खाना होगा तो खाएगा नहीं, हमें लगता है वो दाल ही चावल खाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ। मैंने सेक ली थी, और अब मैं साथ ही साथ काउंटर टॉप को भी साफ़ कर दूंगी ताकि मुझे बाद में सफाई ना करनी पड़े। तो यहाँ पर काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद में मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि सूट में बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने चेंज कर लिया है। और अब मम्मी की थाली मैंने लगा दी है और अब मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। तो ये रही आज की मेरी मनपसंद डिनर थाली। आपको कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं और मम्मी डिनर कर लेंगे। उज्जवल खा चुका है दाल चावल, जब तक मैंने चेंज वगैरह किया तब तक उज्जवल को मम्मी ने दाल चावल खिला दिया था। तो यहाँ मम्मी भी बोल रही हैं कि दाल अच्छी बनी है, मम्मी को भी बहुत पसंद आई है। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।